यूक्रेन के बीच अब युद्ध की लगभग शुरुआत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 11 शहरों में हमला कर दिया है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूर्वी हिस्से में मौजूद शहरों को निशाना बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन के 4 शहरों में मिसाइल से हमला किया गया। यूक्रेन पर हमले के बाद सी बोर्ड पर गेहूं की कीमतों में जहां 5.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी ओर मक्के की कीमतों में भी 4% का उछाल दर्ज किया गया है। बता दें 23 फरवरी को सीबोर्ड पर मक्के का भाव 8 महीने की ऊंचाई से 685 प्रति बुसल पर पहुंच गया था। वहीं गेहूं की करीब 12% से बढ़कर 9.5 साल की ऊंचाई पर 888.6 अमेरिकी सेंट प्रति बुसल पर पहुंच गया था। जानकारों का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सीबोर्ड पर मक्के का भाव बढ़कर 735 प्रति बुसल पर पहुंच सकता है, जबकि मीडियम टर्म में भाव 800 अमेरिकी सेंट प्रति बुसल को छू सकता है। जहां गेहूं की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में सी बोर्ड पर भाव 950 से 960 प्रति बुसल की ऊंचाई तक जा सकता है। मक्के और गेहूं की कीमतों में आए उछाल से मौजूदा दुनिया भर में चल रही महंगाई में और बढ़ोतरी होगी। बता दें कि जनवरी 2022 में ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन सालाना आधार पर 19.5% यानी कि 135.7 पॉइंट की ऊंचाई पर पहुंच गया। बता दें कि यूक्रेन ने मौजूदा स्थितियों को देखते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से रूस पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की वैश्विक मक्का व्यापार में तकरीबन 19% और वैश्विक गेहूं व्यापार में 29% की हिस्सेदारी है। ऐसे में यूक्रेन पर हमले के बाद काला सागर क्षेत्र से कारोबारी गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। यूक्रेन को यूरोप का ब्रेड ब्रेकेट कहा जाता है और ऐसे में यूक्रेन पर रूस के हमले से पूरी दुनिया में खाद्य आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है। उन्होंने कहा कि संकट का असर न केवल यूरोपीय संघ पर पड़ेगा बल्कि मध्य पूर्व और अफ्रीका के कई देशों पर भी इसका असर पड़ेगा। तनाव बढ़ने पर इस बात की संभावना ज्यादा है कि वैश्विक गेहूं और मक्का व्यापार प्रभाव रूस और यूक्रेन से हटकर दुनिया के अन्य प्रमुख निर्यातकों की ओर रुख कर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।